बैठो। धन्य है नरसिंहपुर, भैया नरसिंहपुर गजबई है। अब बेटे हमने तो तुम्हारी महाभारत फैला दी है, एक बात और सुन लो, घर जाके तुम्हारा विवाद डबल होना है, तुम में दम हो तो बच लगी हो, अपन ने तो बंदूक छोड़ दई काई, तो बाद में तुम गाली बको के गुरुजी लोग गए थे सही करवावे उल्टो होगा। इसलिए कहते हैं भैया सबसे फसियो बागे सो बाबा से ना फसियो। आई एम नॉट बागेश्वर बाबा, हम तो ओनली धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, बागेश्वर बाबा तो बागेश्वर हनुमान जी हैं। जय सियाराम। ये कौन है? ये दीदी है। और आप कहां से हो बहन? सिहोरा, यहीं नरसिंहपुर में है, जबलपुर। अच्छा, आप नरसिंहपुर के ही? कहां के? करेली। ये करेली यही है? करेला, करेली, केकड़ा, भैंसा। गजब। हरे हरे। आज गुरुजी का ऐसा मन लगा भैया दरबार में कि कथा की तो ध्यान ही नहीं है कि कथा भी होनी है। देखो तो इतना ज्यादा देर तक दरबार शायद ही कहीं पर लगा होगा। हाँ, जितना नरसिंहपुर में लगा, कितने 3-8 घंटा हो गए। अब थोड़ा कसर रखो, गले की तरफ भी देखो, क्या समाधान चाहिए? हाँ, और उसको ठीक करना है। हाँ, और हमें लगता है कि हमारे साथ मतलब कोई बंधन है जो सबको दूर करता है। हम जैसे ही हुए तो हमारी माँ मतलब चली गई। जी बहन, जैसे हम पैदा हुए थे तो दांत साथ, मतलब दांत साथ में आए थे, दांत आते ना वो। जब तुम जन्म तुमने लिया था तब जन्म ते ही तुम्हारे दांत भाए थे, ऐसा सुना है हमने। गजब हो बहन, कौन से गोला से आई तुम? ये नहीं पता, लेकिन हाँ लगता है बंधन है। अच्छा, लोग दूर होते हैं, मिस्टी को हम बहुत ज्यादा वो करते हैं। जी बहन, उसके साथ ऐसा ऐसे आया, नजदीक आ जाओ बहना, थोड़ा पहली बार ही आई दरबार में, नियम पेशी कर पाएंगी? दाम का नियम पेशी कर पाए? बहन की बेटी की अर्जी शून्यपन, दोनों पैरों में दिक्कत, नसें टेढ़ी हो गई हैं, चलने उठने बैठने में समस्या है। लाभ होगा लेकिन 70% ही आराम लग पावेगा, 100% नहीं लग पावेगा। आपके हर काम में अवरोध बनता है, किसी का साथ भी आप लेती हैं तो वह अचानक से उसके साथ घटना घट जाती है, वह उपद्रव होता है, उसका रहस्य जानने दरबार में आप आई हुई हैं। कोई भी तंत्र विद्या नहीं है, पूर्व जन्मी श्रापित हैं, जिस कारण से आपके जीवन में किसी योगी की, किसी ऋषि की श्राप है, जिस कारण से आपके जीवन में कोई साथ नहीं रह पाता। कुछ बातें हमें बोलने वाली नहीं है ताकि आपकी इज्जत पर दिक्कत ना होवे। आपके निजी मित्र भी आप पर ही आरोप लेकर लगाकर अलग हो जाते हैं, साथ में रहने वाले लोग भी, परिवार के लोग भी आपके ऊपर ही कुछ ना कुछ मानसिक बोलकर, या तो उनके साथ घटना घटती है या उनके साथ जिस दिन से जुड़ते हैं बुरा होने लगता है, विवाद में फंस जाते हैं, पेट सिर दर्द होने लगता है, वह आपसे अलग हो जाते हैं। यह अनवरत हर व्यक्ति के साथ आपके जीवन में जुड़ा हुआ है, यह एक श्रापित चक्कर है, इस कारण से यह व्यवस्था आपके जीवन में बनी है। उपचार यह है, साधु संतों के प्रति निष्ठा दृढ़ रखें, भगवान शिव की उपासना हर सोमवार को रुद्राभिषेक करना प्रारंभ करें, क्योंकि आप शिव की ही उपासना करती हैं, वही तुम्हारे इष्ट हैं,
उन्हीं को तुम आराध्य मानती हो, उन्हीं को तुम अपना पिता माता मानती हो, उन्हीं को आप अभिषेक प्रारंभ कर दीजिए, यह श्राप खत्म हो जाएगा, जाओ इस मंच से आशीर्वाद है। क्या ये सही है सब बातें? बिल्कुल सत्य है। माइक से बोलो नजदीक कर, बिल्कुल सही है, कोई संदेह? बिल्कुल नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बालाजी का धन्यवाद। बालाजी का भी बहुत बहुत धन्यवाद।